ओडिशा के बालासोर में हुआ भीषण रेल हादसा इस सदी के सबसे भयानक और दर्दनाक हादसों के तौर पर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। बताया जा रहा है, इस भीषण दुर्घटना में मरने वालों में कई ऐसे लोग भी थे जिनकी मौत कोई चोट या धक्के से नहीं हुई बल्कि करंट लगने से हुई। जी हाँ, रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे एक पुलिस अधिकारी ने बताया है कि कम से कम 40 ऐसे शव निकाले गए हैं जिनको हादसे के दौरान चोट नहीं लगी बल्कि शायद करंट लगने से उनकी मौत हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे के दौरान ट्रेन पर ओवरहेड केबल गिर गई जिसके कारण बोगियों में करंट फैल गया जिसके चलते कई लोग उसकी चपेट में आ गए और उनकी मौतें हो गईं। कहा जा रहा है कि जब लो टेंशन लाइन का केबल बोगी से टच हुआ उस वक्त कुछ यात्री ऐसी जगह रहे होंगे जहां करंट फैला था जिससे कुछ सेकंड के अंदर ही उनकी मौत हो गई। बहरहाल इस पूरी घटना को लेकर जीआरपी ने आईपीसी की धारा 304A के तहत केस दर्ज किया है। लापरवाही का यह केस अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया गया है। सीबीआई के आने से पहले डीएसपी रैंक के अधिकारी को इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को बताया है कि ज्वाइंट डायरेक्टर की अगुवाई में सीबीआई की टीम मंगलवार को दौरा करेगी। आपको बता दें कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस हादसे में 275 लोगों की मौत हुई है, वहीं 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। सोमवार को अधिकारियों ने बताया कि अभी तक 101 शवों की पहचान करनी बाकी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।